নাদায়ে ইসলাম ইউটিউব চ্যানেলের উদ্যোগত আয়োজন করা আজির বটা বিতরণী সভার সম্মানীয় সভাপতি মহোদয়, উপস্থিত সর্দার উলামা ইকরাম ও বিভিন্ন প্রান্তর পৰা অহা সম্মানীয় রায় ও অতিথিবৃন্দ ও আমার অতি মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি মই আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো সম্বর্ধনা। প্রথমতে আজি বটাবতনী সভার সভাপতি মহোদয়ক মৌলানা আব্দুল শহীদ সাহেবক এখন ফুলাম গামোছাৰে আদৰণি জনাব। নেতাজী ইসলামৰ সাধারণ সম্পাদক ইকরামুল ইসলাম সাহেবে আমার মাজত উপস্থিত মুখ্য অতিথি শেখ নূর মোহাম্মদ সাহেবক এখন ফুলাম গামোছাৰে আদৰণি জনাব। নেতাজী ইসলাম ইউটিউব চ্যানেলৰ সদস্য হাদিস মুফতি জিয়াউর রহমান সাহেবে মঞ্চত উপস্থিত আজির পরীক্ষক সাইন কারি জুম্মান আহমেদ সাহেবক এখন ফুলাম গামোছাৰে আদৰণি জনাব। রেকিব আহমেদ লস্কর মন্ত্রী মাদ্রাসার ছাত্র মঞ্চত উপস্থিত আজির পরীক্ষক হাকম হাফিজ আজাদ আহমেদ সাহেবক এখন ফুলাম গামোছাৰে আদৰণি জনাব। আমার এই সদস্য শরীফুদ্দিন আজির পরীক্ষক হাকম মৌলানা আজহারউদ্দিন সাহেবক এখন ফুলাম গামোছাৰে আদৰণি জনাব। ইমদাদুল আহমেদ উপস্থিত হাফিজ শাহিদ আহমেদক এখন ফুলাম গামোছাৰে আদৰণি জনাব। উসমান আলী উসমান গনি সাহেব আমার সম্বর্ধনা পর্ব ইমানতে আমি সমাপ্ত। বুজুর শশি ফর্মা হ্যাঁ जिनको दावत सकून देना बहुत मुश्किल है, वक्त की किल्लत है, हर के दिल में ये ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द खत्म हो जाए। बहुत देर से इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होती है। मौलाना वली रहमान साहब कासिमी को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाए और फैला दे नताई फरमाया। الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، معزز علماء كرام، مربيان حضرات اور مکاتب کے طلبا اور طالبات، آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے اور علماء کرام اور مربیان حضرات کی طرف سے یہ بیان آ چکا ہے کہ یہ ندا اسلام ایک اسلامک یوٹیوب چینل ہے جس میں छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों की नात खानी, उसी तरीके से कुरान खानी, उसी तरीके से इस्लामिक सवाल व जवाब और दीनी ज़रूरी मसाइल का जो प्रोग्राम है उसका सिलसिला तकरीबन 7 महीने पहले शुरू किया गया था। और सबसे पहले जो हमने शुरू किया था मुसाबकतुल कुरान के नाम ही से शुरू किया था और यह तकरीबन गुज़श्ता मार्च महीने में शुरू हुआ था। और उसके बाद और दो मुसाबका हमने किए
अब ये जो मुसाबका है ये 14 नंबर पर है। उसी तरीके से आप लोगों की अगर नेक तवज्जो और दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह आइंदा हमने जो फैसला लिया है कि हर 3 महीने के बाद एक मुसाबका मुनाकिद किया जाएगा, चाहे वह सबाही मकातिब के बच्चों के दरमियान हो या तो मदारिस के तलबा के दरमियान ही क्यों ना हो। उसी तरीके से हम कोशिश करेंगे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो मकातिब की तालीम से वाकिफ नहीं है, मकातिब में सही तरीके से उन लोगों ने तालीम हासिल नहीं की, उनको दीनी ज़रूरी मसाइल उन तक कैसे पहुँचाया जा सके, उनको दीनी ज़रूरी मसाइल की तालीम किस तरीके से दी जा सके, उसका भी हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द 2-1 महीने के अंदर उसके नतीजा तक हम पहुँचेंगे और उसमें भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ आप लोगों की नेक तवज्जो और आप लोगों की जबानी मेहनत और आप लोगों के दिल में नेता इस्लाम का जो जगह होना चाहिए उसका हम तालिब हैं। आप लोगों को की खिदमत में यह दरख्वास्त है जिस तरीके से आपके दिलों में और आपकी जहनों में मुख्तलिफ चीज़ों को आप लोगों ने बसाया है, उसी तरीके से नेता इस्लाम यूट्यूब चैनल को भी आप अपने जहन में रखें और दिल में रखें। इसमें आपको अगर किसी मसला की ज़रूरत हो, दीनी कोई ज़रूरी मसाइल अगर दरपेश हो, उसके बारे में आपको हल तलाश करनी है तो आप हमारे नेता इस्लाम यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो के जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें आपका जो सवाल है और आपका जो मसला है उसको आप लिख सकते हैं और उसका जवाब जल्द अज जल्द आपके सवाल के बाद देने की कोशिश की जाएगी। उसी तरीके से हमारे वीडियो उसी तरीके से आज हमारे सामने हैं, सामने रमजानुल मुबारक है, रमजानुल मुबारक के सहरी और इफ्तार का जो टाइम टेबल है उसको भी हमने छपवाया है, ये भी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। उसमें हमारा नंबर दिया हुआ है, कोई ज़रूरी गुफ्तगू अगर हो मसाइल के सिलसिले में हो या दीनी और किसी भी सिलसिले में हो तो यहाँ नंबर दिया हुआ है, उसमें अगर आप रابطہ करेंगे तो आपका उसका हल हमारी तरफ से उलामा कराम के मशवरों से दिया जाएगा। और आखिर में चूँकि वक्त बहुत कम है, बहुत देर से तलबा और तालिबा छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं कब वो घड़ी आएगी जब नतीजा का ऐलान होगा, और ये वक्त चूँकि बेचैनी का होता है इसी वजह से हमारी तरफ से भी उसमें कोई तवालत नहीं की जाएगी और ताखिर नहीं की जाएगी, बहुत जल्द ही ऐलान किया जाएगा। लेकिन इससे पहले इस मुसाबका के सिलसिले में 1 मिनट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो यह है कि देखिए सबसे पहले आप लोगों से जो फहरिस्त और जो फार्म हमने लिया था उस फार्म में आप जो नाम उसी तरीके से मकतब का नाम, वालिद का नाम उसी तरीके से एक फ़ोटो दिया था, ये हमने मुकम्मल लिस्ट तैयार करने के बाद जो सीरियल नंबर है ये सीरियल नंबर हमारे पास था और जो आपका नाम और जो कुछ एड्रेस है वह सब कुछ हमने फाइल में बंद कर दिया। हमारे नेता इस्लाम के बाकी मेंबरान को भी हमने उसको देखने की इजाज़त नहीं दी, एक ही आदमी के पास वह जमा था और किसी को मालूम नहीं था किस मुक्तब का मुसाहिब नंबर कितना है और किस मुक्तब का कौन सा मुसाहिब का क्या नाम है, उसका शक्ल क्या है, सूरत क्या है, किसी को पता नहीं था। और जो साहिल और हकम हजरात हैं ये दोनों तीनों आप लोगों को मालूम है, यहाँ इलाका के नहीं हैं, जान पहचान का नहीं है, अगर किसी का जान पहचान था भी वो उसको पहले से मालूम नहीं है, यहाँ आने के बाद मालूम हुआ, किसी को मालूम। हाफिज आजाद साहब को बहुत सारे लोग जानते हैं, उदारी फुलतुली हाफिजिया मदरसा में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ का हाकम हाफिज आजाद साहब है, इससे पहले मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक के अपने मेम्बरान तक भी इस बात को मैंने शेयर नहीं किया। यहाँ आने के बाद भी उन लोगों ने जो इम्तिहान लिया, ऐसा हुआ एक बच्ची यहाँ तिलावत कर रही थी और बहुत अच्छी अंदाज में, मुझे मालूम नहीं था ये किस मुक्तब का है, मैंने मौलाना अब्दुल जलील साहब से पूछा कि ये कहाँ का है, तो उन्होंने कहा मुझे भी मालूम नहीं, और ये वाकया था मुझे भी मालूम नहीं था क्योंकि मैं पहले फहरिस्त बनाने के बाद वो फाइल में बंद करके रख दिया था, मैंने भी उसको नहीं देखा। तो जब नतीजा उन लोगों ने साहिल और हकम हजरात थे उन लोगों ने जब नतीजा तैयार किया, नतीजा सामने आया तो मालूम हुआ कि
किस मकतब का नतीजा क्या है और किन बच्चों ने कैसी मेहनतें की। नतीजा से यह मालूम होता है कि तमाम बच्चों ने भरपूर कोशिशें की, लेकिन नतीजा जो होता है, नतीजा एक ऐसी चीज है कि जिसमें किसी को किसी के सामने हारना यह लाजिमी और जरूरी है। सब बराबर नहीं हो सकते। इस एतबार से एक नतीजा सामने आया है और इसका ऐलान किया जाएगा। सबसे पहले हमारी तरफ से जो इनामात दी जाएगी, ये पहले भी ऐलान किया जा चुका है। जब पहली पोजीशन जो जिन्होंने हासिल की उनको 500 रुपया नकद दी जाएगी, ये किताब उसके साथ होगी और एक सर्टिफिकेट हमारे नेता इस्लाम की तरफ से दी जाएगी। दूसरी पोजीशन जिन्होंने हासिल की उनको नकद 300 रुपया, एक किताब और सर्टिफिकेट उनको दी जाएगी। उसी तरीके से तीसरी पोजीशन जो जिन्होंने हासिल की उनको दी जाएगी 200 रुपया नकद, एक किताब और सर्टिफिकेट। और उसके बाद चौथे नंबर से आठवें नंबर तक जिन्होंने पोजीशन हासिल की उनको एक सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ एक किताब दी जाएगी। दोनों फराह के अंदर यही इनाम होगा। तो देखिए, सबसे पहले मुसाबकतुल कुरान नाजरा, पहली एक पारा नाजरा का जिन बच्चों ने मुसाबका दिया है, नंबर बिल्कुल ऐसा नंबर है, एक दो नंबर आधा नंबर का भी फर्क है। तो सबसे पहले जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की उनका नाम ऐलान करने से पहले देखिए, उनका मुसाहिम नंबर था 20, मुसाहिम नंबर 20 माशूक आलम इब्ने अहद अली दुनम पंसारी रहमानिया मकतब, माशूक आलम इब्ने अहद अली दुनम पंसारी रहमानिया मकतब, माशूक पहली पोजीशन हासिल किए हैं माशूक आलम इब्ने अहद अली गुलम पंचाली रहमानिया मकतब। उन्होंने कुल दूसरा नंबर में से दूसरा नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। उन्होंने दूसरा नंबर में से कुल दूसरा नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है माशूक आलम इब्ने अहद अली दुल्हन पंचाली रहमानिया मकतब। दूसरी पोजीशन हासिल की है, दूसरी पोजीशन हासिल की है हाफिजा बेगम, उनके मुसाहिम नंबर है 16, मुसाहिम नंबर 16 हाफिजा बेगम इब्ने अब्दुल जब्बार, हाफिजा बेगम इब्ने अब्दुल जब्बार दक्षिण वकांतु जामे मस्जिद, दक्षिण वकांतु जामे मस्जिद, दक्षिण वकांतु जामे मस्जिद। आपका हुजूर आपका मौलाना अब्दुल जली सब कहाँ है जी, आइए अब्दुल जब्बार साहब आइए, अब्दुल जब्बार साहब नहीं नहीं अपनी लड़की को दीजिए आप आइए आइए। दूसरी पोजीशन हासिल की है हाफिजा बेगम इब्ने अब्दुल जब्बार वकांतु जामे मस्जिद, उन्होंने कुल दूसरा नंबर में से 199 नंबर हासिल किए हैं, मात्र एक नंबर कम पैसे, दूसरा नंबर था कि एक नंबर कम पैसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तीसरी पोजीशन हासिल की है उनकी मुसाहिम नंबर है 15, माजिदा बेगम इब्ने अब्दुल जब्बार सुल्तानपुरी दोटा एक मुक्त, माजिदा बेगम इब्ने अब्दुल जब्बार दक्षिण वकांतु जामे मस्जिद, दक्षिण वकांतु जामे मस्जिद, उन्होंने कुल दूसरे नंबर में से 197 नंबर हासिल किए हैं, 197 दूसरा नंबर में से 197 नंबर हासिल किए हैं। उसके बाद चौथी पोजीशन हासिल किए हैं उनके मुसाहिम नंबर है 4, মানে আমরা যেন সান্তনা পুরস্কার একটা তুমি এলাম প্রশ্ন আমার কেউ তো ওগো 7 নম্বর পুরস্কার হয়, 7 নম্বর থেকে 8 নম্বর পর্যন্ত সান্তনা পুরস্কার। শারিবা কৌসার আব্দুস সুবুল ওয়াকান্ত হাবিবিয়া, উনকে মুসাহিব নম্বর হ্যায় 4, শারিবা কৌসার আব্দুস সুবুল, শারিবা কৌসার বিনতা আব্দুস সুবুল ওয়াকান্ত হাবিবিয়া মক্তব, ওয়াকান্ত হাবিবিয়া মক্তব। उसके बाद
जो पांचवें नंबर पोजीशन हासिल की है उनके मुसाहिम नंबर है 3। मुसाहिम नंबर 3 हाफिजा बेगम इब्ने हाफिज हैदर अली पश्चिम डबलंग मरल बस्ती नुमानिया मकतब, पश्चिम डबलंग मरल बस्ती नुमानिया मकतब। छठी पोजीशन हासिल की है उनके मुसाहिब नंबर है 5। मुसाहिब नंबर 5 सबनम सुल्ताना, सबनम सुल्ताना अब्दुल अजीज, सबनम सुल्ताना बिनते अब्दुल अजीज दर्जीसिट जलीलिया मकतब, दर्जीसिट जलीलिया मकतब। सबनम सुल्ताना बिनते अब्दुल अजीज दर्जीसिट जलीलिया मकतब। सातवीं पोजीशन हासिल की है महफूज आलम, उनके मुसाहिब नंबर है 7। महफूज आलम इब्ने मनवर हुसैन वकंतु हबीबिया मकतब, महबूब आलम इब्ने मनवर हुसैन वकंतु हबीबिया मकतब। आठवीं पोजीशन हासिल की है उनके मुसाहिब नंबर है 10। महबूबा बेगम शमसुल इस्लाम, महबूबा बेगम बिनत शमसुल इस्लाम उत्तर लश्कर पथार नालुगांव जलालिया मकतब, उत्तर लश्कर पथार नालुगांव जलालिया मकतब। उसके बाद है दूसरी पड़ा हिफ्ज स्वर, जिसको कहा गया था सूरतुल हुमादा से सूरतुल दुहा तक हिफ्ज, और उसके साथ साथ तजवीद में से सिर्फ नून साकिन और तनवीन के कवायद। उसमें सबसे पहले जो अव्वल पोजीशन हासिल की है उनकी मुसाहिम नंबर है 10। उनकी मुसाहिम नंबर 10 रायहान उद्दीन इब्ने फखरुद्दीन दुइनौ पंचाली रहमानिया मकतब, रायहान उद्दीन इब्ने फखरुद्दीन दुइनौ पंचाली रहमानिया मकतब। उन्होंने 200 नंबर में से 199 नंबर हासिल किए हैं, उन्होंने 200 नंबर में से 199 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरी पोजीशन हासिल की है उनकी मुसाहिम नंबर है 7। मुसाहिम नंबर 7 मुजाहिदुल हुसैन, मुजाहिदुल हुसैन इब्ने सलीमुद्दीन दर्जीसिट जलीलिया मकतब, दर्जीसिट जलीलिया मकतब। उन्होंने 200 नंबर में से 191 नंबर हासिल किए हैं, 191। 200 नंबर में से उन्होंने 191 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की है। तीसरी पोजीशन जिन्होंने हासिल की है उनकी मुसाहिम नंबर है 17। उनकी मुसाहिम नंबर 17 सादिका बेगम इब्ने अब्दुल शहीद वकंतु हबीबिया मकतब, वकंतु हबीबिया नंबर मकतब। उन्होंने 200 नंबर में से 188 हाफ माने 188 नंबर में से। चौथी पोजीशन जिन्होंने हासिल की है उनके मुसाहिम नंबर है 1। मुसाहिम नंबर 1 साजिदा बेगम इब्ने अब्दुल अजीज दक्षिण वकांत जामे मस्जिद, दक्षिण वकांत जामे मस्जिद। उन्होंने 200 नंबर में से 188 नंबर पूरा 188। पांचवीं पोजीशन जिन्होंने हासिल की है उनकी मुसाहिम नंबर है 9। मुसाहिम नंबर 9 सलीका खानम, सलीका खानम बिनते समीरुद्दीन पश्चिम डबलंग मरल बस्ती नोमानिया मकतब, पश्चिम डबलंग मरल बस्ती नोमानिया मकतब। उन्होंने 200 नंबर में से 187 नंबर हासिल किए हैं। छठी पोजीशन जिन्होंने हासिल की है उनकी मुसाहिब नंबर है 3। सफवाना बेगम आजमल हुसैन, सफवाना बेगम बिनते आजमल हुसैन वकंतु हबीबिया मकतब, वकंतु हबीबिया मकतब। 183 नंबर हासिल किए हैं। उसके बाद
जिन्होंने पोजीशन हासिल की है, सातवीं पोजीशन हासिल की है, उनके मुसाहिब नंबर है 18, मुसाहिब नंबर 18, सुमैया बेगम, शफीकुल इस्लाम, दुलम पंचाली रहमानिया मकतब। सुमैया बेगम बिनत शफीकुल इस्लाम दुलम पंचाली रहमानिया मकतब। आखिरी पोजीशन, आठवीं पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, उनका मुसाहिब नंबर है 30, मुसाहिब नंबर 30, रिजुफा बेगम अताबुर रहमान, रिजुफा बेगम बिनत अताबुर रहमान, दक्षिण लश्कर पतार इमदादिया मकतब, दक्षिण लश्कर पतार इमदादिया मकतब। आप जिन बच्चों और बच्चियों ने पोजीशन हासिल की है और पोजीशन हासिल की है और अपने इनामात हासिल किए हैं, लेकिन वो बच्चे जिन लोगों को पोजीशन की फेरिस्त में जगह ना मिली, उनके असातिज़ा और जिम्मेदारान से ये गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल की तरफ से उनको भी एक कलम दी जाएगी और ये जो असातिज़ा या जो जिम्मेदारान है वह अपने तौर से बच्चों उसको आने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास आए और हमारे पास उसका हिसाब है किस मकसद के कितने बच्चे हैं, उनको इंशाल्लाह यहाँ से दी जाएगी।